लुधियाना नगर निगम में जो सिंधु में कनाल है ना, जो गिल कनाल भी बोलते हैं इसको, तो इसके साथ साथ एक लेयर वैली बनाई है डी जोन से सेक्रेड हार्ट स्कूल तक। ये लेयर वैली है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, और ये लेयर वैली कहीं ऊंची है कहीं नीची है, और यहाँ पर क्या नज़ारा होता है हम देखते हैं। आपको शिमला कसौली जाने की ज़रूरत नहीं है, मंसूरी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आ जाएं और देखो यहाँ पर नगर निगम ने कितने लाखों रुपए खर्च करके आपके लिए इतनी सुंदर जो वैली बनाई है, और देखिए ये फूल देखिए आप। हाँ तो चलें दिखाते हैं अब आपको, चलें धीरे धीरे चलें। ये देखिए ये लेयर वैली है, ये सिंधवा कनाल के साथ साथ है। ये बहुत गंदी जगह होती थी, नगर निगम ने प्लान किया कि इसको खूबसूरत बनाया जाए, और जहाँ पर शाम को बहुत जोड़े आते हैं, वो लोग आते हैं जो ज़िंदगी के लिए अपना जहाँ पर तय करते हैं कि हम पहले शादी करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद बहुत करेंगे। ज़िंदगी के जो लम्हे हैं, जो ज़िंदगी है, देखे इन हसीन वादियों में इंसान को बहुत सुकून देती है कि वो ज़िंदगी भर याद रखता है। और देखे जो लोग यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर लोग बहुत आते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना COVID-19 होने के कारण जहाँ पर बहुत लोग कम आते हैं, लेकिन जहाँ पर जो लोग हैं ना फैमिली वाले लोग बहुत कम आते हैं। वो कहते हैं यार जब हम परिवार के साथ आते हैं तो जहाँ पर कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं कि वो शर्म से बस पूछे नहीं, उन्हें बहुत शर्म आती है जब जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखते हैं। वो जहाँ पर बात पहुँच जाती है दूर तक कि हम ज़िंदगी में कहाँ आए थे और ज़िंदगी में हमें कहाँ जाना है, ये सब ज़िंदगी के एक लम्हे हैं जो इंसान शादी से पहले अपने जोड़ तोड़ लगाता है। और ये जोड़ तोड़ अब लगता है नगर निगम की बनाई हुई लेयर वैली में। हम ज़िंदगी में वो करेंगे, हम ज़िंदगी में ये करेंगे, आओ तुझे मिले चलता हूँ उस हसीन वादियों में, उस लेयर वैली में जो नगर निगम ने हमारे लिए बनाई है। हम वहाँ बैठ कर दो बातें करेंगे, प्यार करेंगे, और जो तो प्यार करते हैं, लेकिन लोग जो हैं फैमिली वाले जहाँ आने से डरते हैं, कहते हैं बच्चों का क्या दिखाएंगे, यही कुछ दिखाएंगे। जितने भी नगर निगम के पार्क हैं सब कहीं ऐसे चलता है। ये भी अपना घर बना रहे हैं, ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं, ये चींटियां हैं, ये भी अपना आशियाना बना रहे हैं। बरसात से पहले ये मिट्टी निकालते हैं, और देखिए किस तरह इन्होंने एक वैली बना रखी है कि बरसात का पानी इनके घरों में ना जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सोच ही कुछ और है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखिए सभी जितने भी ये कीड़े हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ये सब। और अभी हमने देखा कि जहाँ पर ये लेयर वैली जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जहाँ पर नगर निगम ने बनाई है लाखों रुपया खर्च करके, और इस पर काफ़ी खर्चा होता है, जहाँ पर माली वगैरह गार्डनर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, और जहाँ पर सुबह से शाम लेकर जो प्रेमी जोड़े हैं जहाँ पर आते हैं वो अपने दिन दुनिया की जो आगे लाइफ है उसके बारे में बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जहाँ पर आम जो लोग हैं बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये प्रेमी जोड़ों के लिए स्वर्ग है, यहाँ पर वो बड़े मज़े से बैठते हैं, बातें करते हैं, और ज़िंदगी के अपने ताने बाने बुनते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसे ताने बाने जो जहाँ पर जो बुनते हैं ना, वो सिर्फ जाके वुमेन सेल में ख़त्म होते हैं, जहाँ पर दोनों में जब झगड़ा होता है तो फिर बात पहुँचती है वुमेन सेल में। तो माँ बाप के बिना इजाज़त के और चोरी छिपे जो लोग होते हैं, पहले तो ऐसे जो अपनी ज़िंदगी के ताने बाने बुनते हैं, लव स्टोरी बनाते हैं, लेकिन जब ये लव स्टोरी बाद में एक दूसरे के शक में
बदल जाती हैं, क्योंकि जब शादी के बाद फिर वही जो बात होती है, जो लड़की घर के माँ बाप के कहने से बाहर होती है, लड़का कहने से बाहर होता है, जब शादी कर लेते हैं तब एक दूसरे पर वो दोनों शक करने लग जाते हैं, ये लड़की यार जैसे मेरे साथ है किसी और के साथ होगी, या लड़का मेरे साथ है किसी और के साथ होगा। और ये सारी दुनिया जो है इसी चक्कर में, पहले तो ये नौजवान शादी करवाते हैं, लव मैरिज करवाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तो अभी हम ये लेयर वैली जो हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे MLA ने, हमारे काउंसलरों ने जहाँ पर ये बनाई है, हमारे लुधियाना शहर में ये डी जोन है, इसके साथ साथ ही ये बनी हुई है, और जहाँ पर आम पब्लिक को कितना फ़ायदा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना COVID-19 चल रहा है, हमारे सिविल अस्पताल का बहुत बुरा हाल है, सिविल अस्पताल में बेड नहीं है, पानी नहीं है, पंखे नहीं है, AC नहीं है। अगर ये पैसा वहीं खर्च कर दिया जाता सिविल अस्पताल पर, तो आज ये नौबत ना आती वहाँ पर जो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर भूखे प्यासे गर्मी में बैठे हैं। गवर्नमेंट को, सरकार को पैसे खर्चने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं लोगों के कितना भलाई के लिए, कितना वेलफेयर के लिए है। ये तो खाली पड़ी है वैली, लेकिन पहले हमें अस्पताल चाहिए, पहले हमें स्कूल चाहिए, पहले हमें खाना चाहिए, उसके बाद जब मनोरंजन के साधन चाहिए। जब मनोरंजन के साधन तो वही अच्छे लगते हैं जहाँ पर सभी लोग सुखी होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हेल्थ भी है उसके लिए सारी फैसिलिटी हैं, एजुकेशन है उसके लिए सारी फैसिलिटी हैं, खाने के लिए सारी फैसिलिटी हैं। लेकिन जहाँ पर तो बुरा हाल है हिंदुस्तान में आज, जहाँ पर लोगों के लिए सिविल हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पंखे नहीं है वहाँ पर, AC नहीं है, टॉयलेट गंदी है वहाँ पर, और लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो रो रहे हैं कि हम यहाँ नरक में कैसे आ गए हैं, जहाँ पर ये नरक है, जहाँ पर लोग तो कम आते हैं लेकिन प्रेमी जोड़े जो आते हैं यहाँ पर बैठ के अपनी ज़िंदगी के ताने बाने बुनते हैं, लव स्टोरी बनाते हैं यहाँ पर। और जो सरकार ने यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है आप ही के सामने है, तो सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि लेयर वैली ठीक है बन गई, लेकिन आज लेयर वैली की ज़रूरत नहीं थी हमें, आज हमें ज़रूरत थी सिविल अस्पताल की, जहाँ पर लोग तड़प रहे हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।